नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे मैंने वाटर टैंक वाली वीडियो में कवर नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है जिस पर एक सेपरेट वीडियो ही सही रहता, वरना यदि उसी वीडियो में सब कुछ डाल देता तो ऑलरेडी वह वीडियो 32 मिनट की हो गई थी और यह टॉपिक उसमें इंक्लूड करने से वह वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाती। बाय द वे, मैं यहाँ पर RCC वाटर टैंक के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स वाली पूरी वीडियो की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने वाटर टैंक से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी आपको दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद वह वीडियो आपको एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगी और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों उसे जरूर देखना, वह बहुत कमाल की वीडियो है। तो दोस्तों वापस लौटते हैं इस वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पानी के टैंक में फ्रीबोर्ड क्या होता है, इसे क्यों देना अनिवार्य है और इसे कितना रखना चाहिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रीबोर्ड किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रीबोर्ड एक प्रकार का ऐसा फ्री स्पेस होता है जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक और लगभग सभी तरह के पानी के टैंक में प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा वाटर टैंक फुल नहीं भरना चाहिए। हालांकि इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन एक प्रकार से एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाऊं कि फ्रीबोर्ड क्या होता है। तो आपको स्क्रीन पर एक वाटर टैंक का रफ डायग्राम दिख रहा होगा। इस उदाहरण में मैंने टैंक की टोटल हाइट ली है 8 फीट। तो अर्थात हम पूरी 8 फीट की हाइट तक टैंक को फिल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें उदाहरण के तौर पर 1 फीट का फ्रीबोर्ड प्रोवाइड करके वहां आउटलेट पाइप लगा देंगे, ताकि यदि कभी हमें ध्यान ना रहे और हम गलती से टैंक में ज्यादा पानी भी भर दे तो हमारा आउटलेट पाइप एक्सेस वाटर को टैंक से बाहर निकाल दे और हमेशा हमारे वाटर टैंक में वह 1 फीट की जगह मेंटेन करके रखे। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रीबोर्ड आपके टैंक की साइज और बनावट पर डिपेंड करता है, तो यह चीज आपको अपनी ड्राइंग में मिल जाएगी कि आपको फ्रीबोर्ड कितना रखना है। पर फिर भी आप मुझसे पूछे कि फ्रीबोर्ड कितना होना चाहिए, तो दोस्तों जनरली फ्रीबोर्ड की रेंज एक घरेलू वाटर टैंक में 250 से 500 mm तक होती है। मतलब 250 से 500 mm तक का एरिया आपके टैंक में खाली रहना चाहिए। यदि मैं आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में फ्रीबोर्ड की परिभाषा बताऊं तो पानी के सरफेस से लेकर हमारे वाटर टैंक की स्लैब के बॉटम तक जो खाली स्पेस रखा जाता है उसे फ्रीबोर्ड कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई फ्रीबोर्ड की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि हम फ्रीबोर्ड प्रोवाइड क्यों करते हैं। तो दोस्तों फ्रीबोर्ड प्रोवाइड करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से पहला फायदा यह है कि यदि आप लोग फ्रीबोर्ड प्रोवाइड नहीं करते हो और पानी को फुल भरने का सिस्टम रखते हो, तो यह भी हो सकता है कि जब हमारे टैंक में पानी आए और वह फुल भर जाए और उसके बाद भी पानी प्रेशर से आता रहे और आपका ढक्कन एक्सेस वाटर को ना निकाल पाए, तो टैंक के अंदर पानी का प्रेशर जनरेट होगा और धीरे धीरे पानी का प्रेशर बढ़ते बढ़ते वह इतना हो जाएगा कि वह आपके वाटर टैंक की वॉल्स को फाड़ कर उसमें क्रैक डेवलप कर सकता है। क्योंकि दोस्तों कई बार कई शहरों में पानी का प्रेशर कुछ इस कदर होता है कि उससे 3 मंजिल तक पानी चढ़ जाता है और ऐसे में कई बार प्रेशर की वजह से ईंट वगैरह के टैंक तुरंत कॉर्नर से फट जाया करते हैं। और दोस्तों यदि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो कई बार RCC भी दम तोड़ देता है। तो इसलिए फ्रीबोर्ड को प्रोवाइड करने का पहला रीजन तो हो गया वाटर टैंक का प्रेशर। अब चलते हैं दूसरे कारण पर, जो है कि यदि आप कभी टैंक की साफ सफाई करवाने के लिए किसी बंदे को बुलाते हो और वह टैंक के अंदर उतरकर साफ सफाई कर रहा है, तो वह आराम से फ्रीबोर्ड एरिया में आकर सांस ले सकता है। वरना यदि आपका पानी टैंक में फुल भरा हुआ है और वह साफ सफाई करने के लिए अंदर उतर गया तो उस व्यक्ति का दम भी घुट सकता है। तीसरा कारण भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है। कई बार जो हमारे बच्चे होते हैं वह टैंक में खेलते खेलते गिर जाया करते हैं। ऐसे में कई बार हुआ है कि उनको श्वास न आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और यदि हम फ्रीबोर्ड एरिया को प्रोवाइड करते हैं तो संभावना यह रहती है कि कोई बच्चा यदि टैंक में गिर भी जाए तो वह फ्रीबोर्ड एरिया में आकर श्वास ले सकता है। वैसे इसी बात पर आपको मैं एक और सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने पानी के टैंक का ढक्कन कुछ ऐसा रखें जिसे लॉक किया जा सकता है और अपने सभी बच्चों को समझा कर रखें कि वह टैंक के आसपास ना खेले। ऐसा करने से बड़ा हादसा हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्रीबोर्ड के अगले फायदे की। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब पानी हमारे टैंक में आता है तो उसमें दो तरह की गंदगियां होती है। पहला तो होती है धूल मिट्टी, जो कि थोड़े समय बाद नीचे बैठ जाया करती है, और दूसरा होता है फ्लोराइड और नेचुरल केमिकल्स जो कि ऊपर तैरते रहते हैं। तो यदि आप अपने वाटर टैंक को फुल भर दोगे तो वह गंदगी वाटर टैंक की छत पर चिपक जाएगी और फिर उसको छुड़ाना बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। इसलिए यदि आप फ्रीबोर्ड एरिया प्रोवाइड करते हो तो आपको वह गंदगी ऊपर तैरती हुई मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से नेट की सहायता से उसे साफ कर सकते हो। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा यह है कि जब आप लोग टैंक में पानी भरते हो तो वह मौसम के अनुसार एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि फैलता और सिकुड़ता है। प्लस पानी के वाष्पीकरण के कारण गैसेस भी जनरेट होती है। तो सर्दियों में तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों भयंकर गर्मियों में यदि आप टैंक को फुल भर देते हो तो पानी गर्म होकर एक्सपेंड करेगा और अगेन यदि उसमें एक्सपेंड करने के लिए जगह नहीं होगी तो वह आपकी वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करेगा। दोस्तों इस चीज को मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ कि आप कभी भी मार्केट में वाटर बॉटल
और कोला की बोतल देखी है। आप जब उसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें भी पूरा वाटर या पूरी कोल्ड ड्रिंक नहीं भरी हुई होती है, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत एरिया पानी के एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दिया गया होता है, मतलब थोड़ी सी खाली जगह उसमें रखी जाती है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा पानी है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह हीट पाकर फैलता है और हमारा फ्रीबोर्ड एरिया वाटर को अलाउ करता है कि वह आराम से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो दोस्तों इसलिए फ्रीबोर्ड एरिया रखना मस्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।